हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे पढ़ने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, धावन सोडा का निर्माण और विमान, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है और इसे बनाते कैसे हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। अब हम पढ़ते हैं इसकी बनाने की विधि जो है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं। क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 12। और जब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी बुझे हुए चूने की क्रिया जब हम क्लोरीन से करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। और बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल 12 ये होता है। आपको जब इतना पता होगा तो आपको ये बनाने की विधि, ये पूरी अभिक्रिया लिखने में बहुत आसानी होगी। ये तो थी बनाने की विधि। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए या फिर बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको यही अभिक्रिया लिख देनी है। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में गर्म किया जाता है, तो आपको यही अभिक्रिया थोड़ा सा चेंज करके लिख देनी है। ये ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले आप लिख देंगे और उसमें जब जल घोला जाता है यानी कि +H2O गिव्स आउट तो क्या होता है। तो अब जब हमने क्रिया कराई बुझे हुए चूने की क्लोरीन से तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त हुआ। अब जब हम ब्लीचिंग पाउडर और जल को घोलते हैं तो हमें यही बुझा हुआ चूना और क्लोरीन प्राप्त होगा यानी कि CaOH का होल 12 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस निकलती है। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे प्राप्त करेंगे, तब भी आपको यही अभिक्रिया लिख देनी है। अब आपको केवल बस इतना याद रखना है कि बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन से करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। बस इतना याद रखना है, इससे आपकी सारी इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तन अम्लों से करते हैं तब भी हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर की तन अम्लों से क्रिया। अब हम सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लिख लेते हैं CaOCl2 +H2SO4 जो कि एक अम्ल है। अब जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस जल H2O प्लस क्लोरीन प्राप्त होती है। कैल्शियम SO4 के साथ जुड़कर कैल्शियम सल्फेट बनाता है और Cl2 क्लोरीन को विस्थापित कर देता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग पाउडर पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर को अधिक गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को अधिक गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है। और अभी मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया तो बताया है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और ब्लीचिंग पाउडर को जो जल में घोलते हैं तो उसमें दुधिया विलयन देता है। ये तो थे रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर हल्के हरे रंग का चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है इसलिए इसमें से क्लोरीन की गंध आती रहती है। जब ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करता है तो दुधिया विलयन देता है यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलते हैं तो जो विलयन होता है वो दुधिया होता है। अब इसके उपयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर ऊन को सिकुड़ने से बचाता है और जल में स्थित
कीटाणुओं को भी नष्ट करता है और चीनी को सफेद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और